कैसे हो मेरे माइनक्राफ्ट के चाहने वालों। माइनक्राफ्ट बिना मोड के बहुत बोरी लगता है। अगर तुम लोगों ने कहीं माइनक्राफ्ट का मोड अगर तुमने कभी टेस्ट नहीं किया तो तुम क्या करते हो। वैसे माइनक्राफ्ट बिना मोड के बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मोड के साथ तो और अच्छी लगती है। ये माइनक्राफ्ट को थोड़ा अच्छा मुझे लगा कि मोड्स को एलाउ करते हैं। तो आज लोग माइनक्राफ्ट के गजब और अजब से मोड चेक करने वाले। चलो बैठ देखिए, ये हमारी सिंपल माइनक्राफ्ट बिना मोड के साथ। अभी का जो माइनक्राफ्ट है तुमको उसके अंदर कोई चेंज लग रहा है, देखो जरा ध्यान से। हाँ, मैंने क्योंकि इसके अंदर मोड डाल दिया नो क्यूब मोड। इस मोड के अंदर तुम्हें क्यूब कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे हमें रियल लाइफ रहती है, रियल लाइफ के अंदर हमारे रस्ते रहते हैं एकदम सेम टू सेम, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, सारे उधर खबर रस्ते रहेंगे। और तो और भाई झाड़ भी देखो, बट मेरे हमारे प्लेयर का टकला का भी चेंज नहीं हुआ। झाड़ भी देखो हम कैसे ऊपर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, जैसे रियल लाइफ में होता है। तो लोग अगर ब्लॉक तोड़ती हो जब वुड तो वो कैसे हो जा रहा है तुम देखो जरा ध्यान से। और उसके नीचे का एरिया देखो भाई, ओ भाई मैं तो नीचे गिर रहा था यार अभी। ओके मतलब एक घिसकन नहीं बनी पड़ी, बट घिसकन मतलब वो सब ब्लॉक किया तो समझ सकते हो। और अगर तुम लोगों ने इसके साथ अगर टेक्सचर भी लगा दिए तो और खतरनाक लगेगा। बहुत सही मोड है ये भाई, ये देखो कितना पतला ट्री है यार, बहुत सही लगा मुझे ये पतला ट्री। मोड तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक सेकेंड, ये क्लाउड को क्यों नहीं चेंज किया सर, समझाओ मुझे। नंबर टू, क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर अपने हिसाब से बोर्ड बना सकते हैं। हाँ जी, सच्ची में बना सकते हैं। तो मैंने उसके लिए मोड डाल दिया डाविंसी वेसल, जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी ऐसा क्राफ्ट करो। रुको पहले क्राफ्ट करें तो मैं कैसा जगह, ऐसा क्राफ्ट करने के बाद हमको बस एक पैसेंजर की सीट लगानी है और हमको यहाँ पे एक शिप का हेलम लगाना है। जब लोग जैसे ही उसका साथ लगा देते हैं और उसको हम लोग को सीट टैप करना है, फिर आप एक ऑप्शन आता है असेंबल शिप, हमको वो दबाना है। और फिर अभी सीट कैसे हो यार मुझे नहीं पता है वो सीट कैसे होता है। अच्छा माउंट शिप का ऑप्शन था यार, आप रुको रुको रुको, माउंट शिप था आई थिंक। हाँ हाँ ये इसके ऊपर शिप करते, ओके बैठ गया। इससे हम लोग माइनक्राफ्ट में ऐसे बोट भी चला सकते हैं। वाह, तुम लोग तो कौन से भी ब्लॉक की बना सकती हो भाई, बहुत सही है मोड। मैं तो अभी कॉबलस्टोन की बना रहा हूँ बोट। ओहो भाई क्या सच्ची है, बहुत सही बोट है, बहुत फास्ट भी चल रही है ये। वैसे माइनक्राफ्ट के अंदर से 3-4 बोट है लकड़ी की और वह सबका टेक्सचर सेम है। हम लोगों ने ये वाला मोड डाल दिया तो अपने हिसाब से कुछ भी बनाओ। तुम लोग इसके अंदर वो जो हवा में उड़ता है उसको क्या कहते हैं, मैं एयरशिप की बात कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की बात नहीं कर। तुम लोग इसके अंदर एयरशिप भी बना सकते हो उस बोट के अंदर, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। ओके तो ये बोट बहुत अच्छी है, तुम लोग सब बोट को एज अपना हाउस भी बना सकते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे ये मोड। नंबर थ्री, हमारे माइनक्राफ्ट की दुनिया कितनी ज़्यादा अनसेफ है। कोई चोरी करके चला जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा, कोई किसको मार के चला जाएगा वो भी हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो मैंने डाल दिया सिक्योरिटी क्राफ्ट मोड, जिसके अंदर हमको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है जितनी रियल लाइफ में नहीं मिलती। इस मोड के अंदर तुमको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तुम देखो यार, तुमको एक बार दिखाई देता हूँ। बहुत सही है। तो ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, इससे भी खतरनाक चीज़ें हमारे पास। आवाज़ बहुत कर रहा है, जैसे कि ये छोटे लोग सब मेरी सोने की खदान में काम करते हैं, बट मेरे को इसके ऊपर थोड़ा शक जाता है। ये देखो ये रही मेरी सोने की खदान और बस मेरे को शक रहता है। तो इस मोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो मेरे को इनके ऊपर चारों तरफ सिक्योरिटी रखने के लिए मैंने इनके आजू बाजू पूरे सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए। और एक कैमरा मैं मेरे सोने की खदान के यहाँ पे भी लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये छाड़ पट्टी करेगी तो यहाँ पर भी उनको पता चल जाना चाहिए। फिर हमको कैमरा मॉनिटर से इनके ऊपर सेट करके टैप करना है, सारे कैमरास को टच करने का, फिर हमको टच करना है, फिर हमको इतने सारे स्क्रीन्स देखने को मिल जाएगी। और ये देखो मेरी पूरी स्क्रीन कैसी लग रही है, मैं कैमरे में से देख सकता हूँ। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई यहाँ पे छाड़ पट्टी करेगा तो इनके चारों तरफ से निगरानी है, तो कोई कर भी नहीं सकता। नेक्स्ट हमको इस मोड के अंदर हमको एक ब्रीफ केस भी देखने को मिलता है, जिससे हम लोग यहाँ पे पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। इसका हम लोग पासवर्ड रखेंगे 9010। तुम लोग इस नंबर पे कॉल मत करना, तुम गालियाँ खाओगे, मेरा नंबर तो है भी नहीं वैसे, नंबर तो 10 नंबर का होता है, तो गालियाँ मत करना भी मतलब कि। फिर इसके बाद हमारे ब्रीफ केस के अंदर कुछ भी सामान रखो और फिर उसको कोई तोड़ भी नहीं पाएगा और ना ही कुछ कर पाएगा, लेकिन कैप्टन सलाह में चले गया तो उसका मुझे नहीं पता है।
और तो और हमको इस मोड के अंदर एक ये डिस्प्ले केस भी देखने को मिलता है, जिसको बहुत हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो फिर तुमसे कोड मांगते हैं, तुम कोड लिखो, फिर तुमको वापस से वो कोड लिखना पड़ेगा 9010 भाई, वही हमारा कोड है, कोई वर्ल्ड में हैकिंग मत करना। फिर वो कौन सा भी सामान रखना है इसके अंदर, राइट क्लिक करो और इसको वापस से बंद कर दो। अगर तुम्हारा फ्रेंड व्रेंड इसको देखेगा तो पता है तुमको क्या जलेगा, वो तुमसे जलेगा। और तुम लोगों को इस मोड के अंदर फेक वाटर बकेट और लावा बकेट भी देखने को मिलेगी, अगर तुमने या तुम्हारे फ्रेंड को ये पकड़ा दी तो इसका थोड़ा लोगो थोड़ा अलग है और ये फेक लावा बकेट है। तुम लोग ना इसके अंदर जलोगे ना ही कुछ होगा, तुमको फायर रेजिस्टेंस मिल जाएगा जैसे तुम इसके अंदर जाओगे। तो अगर तुम लोग को ऐसी ऐसी चीज बनानी है जैसे तुम लोग अपने दोस्त को ट्रोल कर सकते हो उससे जस्ट। और तुम लोग को इस मोड के अंदर पासवर्ड प्रोटेक्टेड चेस्ट भी देखने को मिलता है, जिसका पास मैंने वही रखा है। और तुम लोग अगर इसके अंदर तुमने कौन सी चीज वीज भी रख दी तो इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्रिएटर में टूटेगा लेकिन सर्वाइवल में इसको कोई चांस ही नहीं है टूटने का। और मेरे जो अभी छोटे लोग थे उनके आजू बाजू बहुत ज़्यादा मॉब घूम रहे थे, तो मैंने अभी सेंट्री लगा दी। इस सेंट्री से क्या होगा कि इसके आजू बाजू जो भी मॉब है सेंट्री में खुद ही उड़ा देगी। इस मोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें बट मैं एक वीडियो में उसको नहीं ले सकता, सॉरी। हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर सोचते हैं और फिर चुपचाप से हम लोग उठ जाते हैं, सुबह को उठाऊंगा वापस से वही काम पे लगना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर सपने भी देख सकते हो, रुको दिखाता हूँ। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया गुड नाइट ड्रीम्स और इस मोड के साथ तुम लोग ना ड्रीम्स देख सकते हो तुम्हारे माइनक्राफ्ट के अंदर। इसके अंदर अच्छे ड्रीम्स भी होंगे, बुरे ड्रीम्स भी होंगे, और ये तो मेरे हिसाब से बुरा ड्रीम लग रहा है मेरे को। लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। तुमको यहाँ पे ये मॉब भी देखने को मिलते, मैं स्वॉर्ड पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये मारना स्टार्ट कर दे मुझे। तुमको इस बुरे सपने के अंदर तुमको डेड प्लैंक्स भी देखने को मिल सकती है। अगर तुमको अपने सपने से बाहर निकलना है तो तुम लोग मर के बाहर आ सकते हो, वैसे सुबह हो जाएगी लेकिन। और तुम लोग को इसके अंदर अच्छे सपने भी देखने को मिलते हैं, अच्छे ड्रीम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये तुम लोग यहाँ पर स्पॉन आते हो रेनबो एंड यूनिकॉर्न्स के एरिया में। यहाँ पे तुमको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी और तुमको यहाँ पे गिफ्ट भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे गिफ्ट के अंदर से मुझे क्या मिला एक सेकंड देखता हूँ। और मेरे को इसके अंदर कैंडी मिली है जो कि बहुत अच्छी बात है। तुमको इस एरिया के अंदर यूनिकॉर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन अब मेरा लक खराब है तो मुझे नहीं मिल रहा। तुम लोग को पूरा इनके अलग से सेक्शन मिल जाता है जिसके अंदर तुम गुड नाइट स्लीप्स का मोड डाला है तो उसके अंदर तुमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। वेट, हीरो ब्रेन स्पॉन मैप अंडा है भाई उसका तो, और यूनिकॉर्न भी है यहाँ पे, और टॉर्मेंटर क्या है यार। अच्छा ये टॉर्मेंटर मॉब है खतरनाक वाली, बट अभी इनसे खेते मैं नहीं ले रहा। ये बच्चा, अरे बच्चा बहुत खतरनाक है। अरे अंदर क्यों आ गया, बहुत खतरनाक मोड है यार ये तो, मुझे नहीं पता इतना खतरनाक है। बच्चे को मैं मार दूंगा, कोई बात नहीं। तो तुम लोग माइनक्राफ्ट में 3-4 तरह की पिकैक्स देख के बहुत बोर हो गए, तो मैंने मोड डाउनलोड कर लिया मोर पिकैक्सेस, तो बहुत अच्छा मोड है ये। इसके अंदर हमको बहुत सारी पिकैक्स देखने को मिलती है, नेदर पिकैक्स, रेनबो पिकैक्स, एक्सप्लोसिव पिकैक्स, कुकी पिकैक्स। हमारे सबसे पहली पिकैक्स है पोसिडियंस पिकैक्स। तुम लोग इससे कौन सा ही ब्लॉक तोड़ते हो तो वो टूटता ही नहीं है, बहुत बहुत देर से टूटता है क्योंकि तुमको कौन सा तो इफेक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट जो मोड तुमको उसके अंदर टू साइड पिकैक्स देखने को मिलती है जिससे तुम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक साथ तोड़ सकते हो। अभी जो हमारी पिकैक्स वो नेदर पिकैक्स, तुम लोग इसको नेदर में यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे स्टोन तोड़ रहा हूँ तो मुझे स्मूथ स्टोन मिल रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है बट सही है। और तुमको इसके अंदर सब वो आग में हम लोग लावा में जाते हैं और लोग इंचनेट गोल्डन एप्पल खाते हैं वो मिल जाते हैं, तो वो रेजिस्टेंस फायर रेजिस्टेंस का पोशन भी मिलता है तुम लोग जैसे ही इसको हाथ में पकड़ते हो इस पिकैक्स को, नेदर पिकैक्स को। अभी जो हमारी पिकैक्स है रेनबो पिकैक्स, तुम लोगों ने इसके ऊपर नाम के ऊपर मत जाना तो ये तुम्हारा नाम बिगाड़ देगी। तुम्हारा लक होगा तो तुम्हारी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, अगर तुम्हारा लक बहुत खराब होगा तो तुम्हें बहुत बुरी चीज़ें मिल जाएगी, जिससे भी मुझे मिली है यार। पॉइजन क्या है भाई, पॉइजन क्या है? वेट चलो तेरी भैंस ये कौन था, अरे रेवेजर कैसे आ गया यार भाई, क्या हुआ क्या मुझे समझा नहीं। अब यार मेरा सामान चले गया, खाने को दो ना सब। अभी जो हमारी पिकैक्स है ग्लिच पिकैक्स, यह पिकैक्स बहुत ज़्यादा ही ग्लिची है, इसके अंदर तुम ये खत्म भी हो जाती है तो पता भी नहीं चलता। और नेक्स्ट हमारे पिकैक्स वो एंडर पिकैक्स, इस पिकैक्स का काम ये है कि तुम लोग कौन से ब्लॉक तोड़ते हो तुम उसके ऊपर सीधा टीपी हो जाती हो, जो तुम लोग उसको वसूल भी लेते हो, बट तुम इसको केव के अंदर ट्राई मत करना, सफोकेट हो जाओगे। अभी जो हमारी पिकैक्स वो एक्सप्लोसिव पिकैक्स, बहुत खतरनाक है भाई ये तो, भागने का टाइम भी नहीं देती और अच्छी पिकैक्स है, बुरी नहीं है। अभी जो हमारी पिकैक्स है वो है
बैटल पिकैक्स। इस पिकैक्स को यूज करने के लिए सबसे पहले था माउस पॉइंट करने दो। इस पिकैक्स से भाई ब्लॉक तो ही टूट रहा, लेकिन बहुत सही पिकैक्स से दो हिट ने पेलेजर को मार दिया इसने। बहुत सही है ये पिकैक्स। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर तुमको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो, जितनी तुम चीज़ें पॉसिबल कर सकते हो सब करो भाई। कहला मत लगा यार, कर दो, फ्री का काम ही है यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगता तुम लोग, कर दो फ्री 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 बाय। प्लीज़ भाई लोगों कहना मत लगाओ, सारी चीज़ें कर दो जो मैंने जो भी किया। अगर तुमको आज के इसमें से तुमको कौन से मोड अच्छा लगा तुम लोग उसको जरूर से ज़रूर डाउनलोड करना। तो चलो आज के लिए मैं तफ कल टेन कमेंट बाय।